क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं जितनी देर बच्चे आ रहे हैं। तो अच्छा अब्दुल्ला आप जा सकते हैं। एक आधा मिनट वेट कर लें, बस व्हाइट बोर्ड की तरफ कर दो जिसने दस यहाँ तक का नोट करना है। ये बहुत अच्छा किया आपने, जाते जाते सोच रहे थे कि मुझे हर अमल पे क्या मिलने वाला है। रुकू करने पे इतना सवाब है जैसे जितना जिस्म का वज़न है उतना सोना सदका, और सजदा करने पे ऐसे जैसे अल्लाह के कदमों में है। सलाम फिर के तस्बीहात फातिमा पढ़ी तो समंदर की झाग के बराबर भी गुनाहों तो माफ़ हो जाएंगे। वुज़ू से पहले भी सब ने पढ़ ली बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह। वुज़ू के बाद आसमान की तरह देख के दूसरा कलमा भी पढ़ा होगा और वुज़ू के दरमियान की दुआ भी पढ़ी होगी, अल्लाहुम्मा फिर ली ज़म्बी व से लीफी दारी व बारिक लीफी रिज़्की। माशाल्लाह ये दुआओं का अहतमाम करते हुए आप गए होंगे मस्जिद में। दाखिल होने की दुआ मस्जिद में, राइट पांव से एंटर हुए होंगे, लेफ़्ट पांव से निकले होंगे, मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़ी होगी, और घर से वुज़ू करके जाना चाहिए। चलो कॉलेज से ही करके चले जाएँ, ऐसे कि आराम बांध के हज पर जा रहे हैं तो दिमाग को भी ट्यून किया करें जो करने जा रहे हैं उसके साथ। आ जाओ भाई इधर। अच्छा हाँ, अब अगर मैं सवाल में लिखूं कि अब अगर मैं सवाल में लिखना चाहूं इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा था। अगर मैं सवाल में लिखूं इन्वेस्टमेंट्स एज पर क्वेश्चन, तो ज़ीरो नहीं, गिवन नहीं है, होंगी कोई ना कोई, अकाउंटेंट ने कोई ना कोई एंट्री स्कीम ही है, तो आई कांट से इट ज़ीरो। तो एज़ पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल नहीं है। पिछले सवाल में यहाँ कहीं करके ना दरमियान में दी हुई थी, इन दोनों फिगर्स के दरमियान में कहीं करके दी हुई थी इन्वेस्टमेंट्स एज़ पर क्वेश्चन, बट इस सवाल में इन्वेस्टमेंट एज़ पर क्वेश्चन मुझे अवेलेबल नहीं है। तो अब एक तो बहुत डीप डाउन तरीका है, वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। वो ये तरीका है कि आप सोचें कि एज़ पर क्वेश्चन 150 है अकाउंटेंट वाली, एज पर क्वेश्चन ये होती अगर अकाउंटेंट वाली इन्वेस्टमेंट हमें दी होती, तो इसको लिख के फिर रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करें, फिर आपका जवाब 226 ही आ जाना है। तो अगर एज पर क्वेश्चन दी होती तो मेरे ख्याल से 150 दी होती, तो उसमें फिर मैं रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करता 150 + 76, फिर तो सवाल के मुताबिक 150 मुझे दी होती ना एज पर क्वेश्चन अकाउंटेंट वाली। तो कुछ हाँ ना करें ना, इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन मुझे अगर दी होती या ये दी होती उसमें फिर मैं 76 ऐड करता, फिर मेरी इन्वेस्टमेंट अल्लाह का शुक्र इसी पे चली जाती। तो मैंने ये कहने की कोशिश की है जो आप सवाल पे लिख लें कि इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो बेहतर है कि ओरिजिनल एंट्रीज को ही पोस्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन गिवन नहीं है तो बेहतर है कि ओरिजिनल एंट्रीज को ही पोस्ट कर दें। अच्छा जी, अब इसके लिखने का तरीका ये नहीं होगा, इसके लिखने का तरीका होगा थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, और पोस्ट कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट, बिल्डिंग का लफ्ज़ ना इधर देखें, इन्वेस्टमेंट बताएं कितने से डेबिट करनी है, 226 से। अदर इनकम क्रेडिट 76, अदर इनकम क्रेडिट कितने से 76, वर्किंग 8.1, 226 माइनस 150 इज इक्वल टू 76, ये 76 दिखाना पड़ेगा आपको। अब मैं इधर वर्किंग 8.1 नहीं लिख रहा, 76 दिखाना पड़ेगा कहाँ से आया, या तो फिर जनरल एंट्री करें तो बहुत टाइम लगेगा पेपर में, तो थोड़ी सी अकल लगाएं, ये इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू है या बुक वैल्यू है, ये गेन आ गया। तो और बिल्डिंग क्रेडिट ज़रूर करें,
बट डेट इज बैलेंस शीट टाइप चीज जो मांगी नहीं, और इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, इट इज इक्विटी टाइप चीज, इट इज वर्किंग वन टाइप चीज। इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग गिवन, शेयर्स टू बी गिवन, एज पर क्वेश्चन गिवन नहीं थी इसमें फिगर्स, तो ये सबसे आसान तरीका है जिसमें हमें कोई एरर सही नहीं करनी पड़ी। 706, 480 की भी वर्किंग शो करनी है, 16 × 30। जिसके साथ वाली विकेट गिरी है वो खड़ा हो जाए, एक एक करके खड़े हो जाए जिसके साथ वाली विकेट गिरी है। अच्छा चले बैठ जाएं। हाँ, देखो यार, हमें आदत डाली हुई है टीचर्स ने, अल्लाह भला करे उन टीचर्स का, कि सवाल में ना रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट किया करो। तो मेरा दिल चाह रहा था कि रेक्टिफाई करता चीज़ों को, लेकिन किसको रेक्टिफाई करता? एज पर क्वेश्चन तो इन्वेस्टमेंट्स गिवन नहीं है, तो किस इन्वेस्टमेंट को लिख के रेक्टिफाई करता, जिसे मैं कह सकता हूँ अनएडजस्टेड इन्वेस्टमेंट। पिछले सवाल में देखो अनएडजस्टेड इन्वेस्टमेंट गिवन है 1400, ये लाइन इस सवाल में, इस तरह के सवाल में गिवन नहीं है, उसमें से मैंने 20 माइनस किया है, वो जो मसला था इसमें। अब इस सवाल में भी शायद कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत थी, बट रेक्टिफिकेशन तो हो सकती है किसी गलत फिगर में, तो गलत फिगर एज पर बैलेंस शीट मुझे गिवन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बेहतर है कि उनको सही करें, तो वो हैं ही नहीं जिनको सही करना है, तो ओरिजिनल फिगर्स पोस्ट कर दें एंड सेव योर टाइम। ओके, अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड द कैरिंग वैल्यू बाय 60 मिलियन, इतने से की एंट्री बताएं। पीपीए डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, अब मैं एंट्री भी नहीं कर रहा, पीपीए डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन 60। एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी लाइफ, लेकिन प्लीज डेप्रिसिएशन यकम मई से ऑनवर्ड्स एक्विजिशन डेट। सरप्लस रिमेनिंग लाइफ और डेट ऑफ एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट हिट वर्किंग 5 एज वेल। अच्छा प्लांट तो नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं जाना, ओ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कॉस्ट ऑफ सेल में जाना है। हैंड रिटन पेज 7 जहन में लाएं, डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, और दूसरा डेप्रिसिएशन बढ़ने से एस के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन रियलेशन सर, एसआरई टाइप चीज है ना। जी जी हैंड रिटन पेज 7 कमजोर है आपका, बस ये जवाब है मेरा, मैं नहीं एंट्री बताऊंगा 5 की, खुदा के लिए यार, ये बच्चों वाले एडजस्टमेंट थे, अमोर्टाइजेशन डेबिट और डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपी क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन बढ़ने से इसके प्रॉफिट कम होंगे। हैंड रिटन पेज 7 मसला है आपका, क्लास के बाद उसको सेट करना। ओके, इंपेयरमेंट गुडविल पे 10%, निकलवा दे मुझे ऐसे ही। पॉजिटिव वन ट्वेंटी फोर, एडमिन एक्सपेंस डेबिट, अच्छा
इसको ना अमोर्टाइजेशन को कभी भी 8/12, 9/12 नहीं करना, और डिविडेंड को भी कभी नहीं करना। इन दोनों चीज़ों को कभी मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करना। इम्पेयर ताल्लुक किसी वक्त से होता है, एक ख़ास वक्त से, अरसे से नहीं होता। और दूसरा, NCI फेयर वैल्यू पे या प्रोपोर्शनेट पे, इट विल नॉट हिट वर्किंग 5। एडमिन एक्सपेंस में चला जाएगा, इट विल नॉट हिट वर्किंग 5, क्योंकि ये CRE टाइप चीज़ है। अब ये इस तरह के इजी मार्क्स पेपर में गिवन होते हैं। पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड और पी शेयर ऑफ ए डिविडेंड, ये माइनस करने हैं। ये फुल ऑरेंज सफ है, ये फुल वाइट सफ है। तो पी ने अपनी अदर इनकम में डाल लिया हुआ है। अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं, पी शेयर ऑफ वर्किंग 6 ये 20 के फिगर वर्किंग 6 से आई है, अदर इनकम में से माइनस कर दें। दो चीजें नहीं भूलनी अदर इनकम में, पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड और ए शेयर ऑफ एस डिविडेंड और नेगेटिव गुडविल। चलो यार, शुक्र है सवाल खत्म हुआ, फेस रह गया तो जल्दी फर्क हो गया। ये एडजस्टमेंट होगी, ये होगी, ये रह गई है। अल्लाह करे ये भी P2A हो, जस्ट जगहों पे सोचना नहीं पड़ेगा। P2A या A2P हुआ तो बारो बारी हो जाना है। KL कौन है? A है भाई, A2P है, फिर तो जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट हो जानी है। A2P सोल्ड हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 60 मिलियन फॉर 60 गेन 8, रिमेनिंग लाइफ वॉज ग्रॉस गेन डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट से लेके कंसोलिडेशन डेट तक। पीस शेयर किसने बेचा, चलें वो डिस्कशन ठहरे बाद में करते हैं। एक मिनट बाकियों को सोचने दें। सोचें जी, किसने बेचा? ए ने। ओ बा खत्म बात, ए के प्रॉफिट में उल्टा दें, बस खत्म, आगे सोचिए ना बस। ए ने बेचा, ए के प्रॉफिट में उल्टा दें। ए टू, यार इधर ए टू पी तीन चीजें आती थी, ए टू पी स्टॉक, ए टू पी फिक्स्ड एसेट और इम्पेयरमेंट, तीन चीजें इधर आती हैं। 1.8 इसकी कोई डबल एंट्रीज नहीं होती, ये सारी की सिंगल एंट्री होती है। जय जी, PBT से पहले क्या करना है? सिक्स पॉइंट टू
होल्ड डाउन, तसल्ली, सारे मुतवज्जे, लॉसेस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आराम से जल्दी निपटाना, सबको सोचने दें। नेगेटिव नाइन, लॉस। उस साइड को ना सोचें, बस ये लॉस टाइप साइड है, कैरी डाउन वही लॉस ही है। साइन नेगेटिव, फजर और असर के बाद थोड़ी देर अल्लाह को याद कर लिया करें, बाकी औकात में अल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। ओके अच्छा जी, अब TCI निकल आया, अब इसका NCI बता दें। चलें जी, 3 मिनट है सबके लिए, एट्रीब्यूशन कर दें। कर लिया तो बेशक जाते रहें, बड़ी तसल्ली से कर दें, लॉसेज हैं कोई मसला नहीं। जिसने सवाल नहीं भी सॉल्व किया ना, वो एट्रीब्यूशन जरा कर दें। Raise your hands. Okay. पहले आसान काम करें, 250.8। खुदा ना खास्ता ये कैरी डाउन ये भी कभी उधर आ सकता है, आया तो अभी आज तो नॉर्मल साइड पे आ रहा है। ये इमरान खान को सब्सिडरी का पैड दे दें,
और सब्सिडरी का OCI, बोले इमरान खान को सब्सिडरी का पैड दे दें, सब्सिडरी का OCI, बस और ज़्यादा कोई ओवरेक्शन नहीं बनना हमने। जी इमरान खान को सब्सिडरी का पैट 3.6। हाँ हाँ पॉजिटिव आ गया, कोई मसला नहीं, पैट ज्यादा था ना असल में। डबल टू 9.1। ज़रा तंग करके देखने उन्हें, ठीक है आपकी मर्ज़ी, आप तंग कर सकते हैं, अब हम आप उधर बैठे हुए हैं, फ़ायदा उठा लें आप, कभी हमारा भी टाइम आएगा। अच्छा आई एम टॉकिंग अबाउट मी, what about you, what about you, I have himmat, I know manzil, I can do koshish, what about you, what about you, do you have himmat, yes sir, do you know manzil, yes sir, can you do koshish, no sir, okay, question 4 pe aa jao. Let me tell about myself. अच्छा चलें, सवाल करूँ ना करूँ इस बात को साइड पे रख दें। हाउ मैनी पीपल कैन डू दिस क्वेश्चन इधर बैठ के, दे हैव हिम्मत, दे कैन डू, अगर बैठे रहें तो दे कैन डू, ओके आई रियली अप्रिशिएट। एक ना हल्की सी नज़र मार लें, सवाल आ क्या रहे हैं, एक एक सिर्फ क्वेश्चन 4 ना ऐसे ही मैं आपको शो कर रहा हूँ क्वेश्चन आ क्या रहे हैं। ये 2220 में, एक मिनट, इट इंक्लूड प्रोफेशनल फी, प्री आरी, ऑन एक्विजिशन डेट एमएल एसेट्स वर इक्वल टू एक्सेप्ट अ ब्रांड, ये रीस्ट्रक्चरिंग की एडजस्टमेंट एक अजीब सी है, 35% शेयर हमने खरीदे हैं एसोसिएट के 1500 मिलियन के, ये इसके बाद इसका पैट है और इसका डिविडेंड है, मैं आपको बताऊंगा वो नहीं हो सकता इसमें, मुझे नया वाला तरीका लगाना पड़ेगा। हाँ, डिविडेंड अनाउंस हुआ है पेरेंट का, एमएल इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम एचएल, पीएल इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स परचेज फ्रॉम एचएल, आपस के डेटर क्रेडिटर, एचएल वैल्यूज एनसीआई एट फेयर वैल्यू, सो दैट नहीं नहीं अभी करना नहीं है, आज करना नहीं है, आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट दिस, सो फील रिलैक्स, यू कैन डू 70-80% क्वेश्चन इन पेपर, होमवर्क मैं नहीं नहीं एक मिनट, ये दो सवाल हैं क्वेश्चन 1 और 3, क्वेश्चन 1 और 3 होमवर्क में हैं, और कोई भी नहीं मैंने होमवर्क में डाला, लेकिन आई एग्री विद यू, यू आर राइट, कभी कभी आप बड़ी अच्छी बात करते हो, कभी कभी बाकी भी करते हैं, बट वेन एवर यू फाइंड टाइम इन योर लाइफ, क्वेश्चन 11 उधार है, क्वेश्चन 8 कर लिया था ना पिछली क्लास में, वो लंबा सा क्वेश्चन 11 उधार है पेज 235 वाला, जिसमें P&L बैलेंस शीट का इकट्ठा सवाल है, जब भी आपको ज़िंदगी में टाइम मिले क्वेश्चन 11 कर लीजिएगा, लेकिन होमवर्क में से 2 ही सवाल हैं, पास पेपर क्वेश्चन 1 और 3 जो मैंने वाइट बोर्ड पर किए हैं। हाँ जी ये मैं क्वेश्चन 11 लिख के ना ऑप्शनल लिख दूंगा पेज 235 होमवर्क में, जाएं जी।